कक्षा 12वीं और विषय इतिहास के अंतर्गत हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं ईंटें मन के तथा अस्थियां। इसके अंतर्गत हम जो सिंधु घाटी सभ्यता को लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना गया है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, यानी लगभग आज से 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे पर एक विकसित सभ्यता थी और उस विकसित सभ्यता का अंत हुआ और अंत होने के बाद में 19वीं शताब्दी में जब वहां उत्खनन के कार्य किए गए तो उत्खनन के दौरान विभिन्न प्रकार के पुरावस्तुएं वहां से प्राप्त हुई हैं, जिसमें वहां बने हुए आवास मकान हैं और मिट्टी के बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, मुद्राएं हैं। और इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो वहां से मोहरें प्राप्त हुई हैं और इन मोहरों पर जो लेख लिखी गई, लिपि लिखी गई है और इनसे जब जानकारियां ली गई, यानी जो पुरा वस्तुएं पुरा सामग्रियां प्राप्त हुई और पुरा सामग्रियों के माध्यम से कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से इनका समय निर्धारण किया गया कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, व्यापारिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आध्यात्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी। तो इस प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक, कलात्मक स्थितियों को जानने के लिए इन पुरावस्तुओं का अवलोकन किया गया। तो हम पढ़ रहे हैं लगभग 4500 साल पहले की जो विकसित सभ्यता थी, जिसको नाम दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसके नगर प्रकाश में आए हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ, सबसे पहले जो पूरा स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा स्थल ही था। और हड़प्पा के बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे और इनका उत्खनन किया गया और यहाँ के स्थलों की खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के उस समय के जो आवास मिले हैं, मूर्तियां मिली है, मुद्राएं मिली है, मोहरे मिली है और इस प्रकार से विभिन्न कलात्मक सामग्रियां वहां से प्राप्त हुई है। और इन सामग्रियों के माध्यम से हम उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ऐसी स्थितियों का अवलोकन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मानचित्र के माध्यम से बताया गया है कि देखिए ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, उत्तर पश्चिम इलाके में ये पाकिस्तान दिखाया गया है, ये भारत है। और यहाँ से सिंधु नदी की जो नदी प्रवाहित होती है और इस सिंधु नदी के किनारे पर ही दो महत्वपूर्ण पुरा स्थल प्राप्त हुए थे। एक हम बात कर सकते हैं हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो ये दो महत्वपूर्ण नगर है। तो हड़प्पा नगर जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और मोहनजोदड़ो है वह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस प्रकार से ये दोनों ही पूरा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ की जब आवास प्राप्त हुए और आवास प्राप्त जो हुए उनमें देखा गया कि सड़कें बिल्कुल चौड़ी थी, संपूर्ण पिटी और मकान बिल्कुल सीधी अवस्था में बने हुए थे, वर्गाकार आकृति और आयताकार आकृति के मकान बने हुए थे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से सुनियोजित यहाँ की नगर व्यवस्था थी, यह सबसे बड़ी विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता एक ही नाम है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नियोजित नगर की प्रणाली, नियोजित सुनियोजित नगर व्यवस्था। इस प्रकार से विशेष बात हम देख सकते हैं। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए, तो हमारा उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है नियोजित स्थापत्य कला, नियोजित नगर निर्माण की कला। तो देखिए नक्शे के माध्यम से हम देख सकते हैं हड़प्पा यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार से जो पंजाब है, पंजाब में देखिए आपने रोपड़ क्षेत्र आता है, रोपड़ स्थित है। इसी
प्रकार से राजस्थान में कालीबंगा स्थित है और जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है और इस प्रकार से गुजरात में धूला विहार रंगपुर ये स्थित है। हरियाणा जो है हरियाणा में बनावली राखीगढ़ी यह भी पूरा स्थल स्थित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल यहाँ यहाँ पर मौजूद है। हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तर का जो है आता है मांडा, उत्तर में आता है मांडा और दक्षिण में आता है देमाबाद, दक्षिण का आता है देमाबाद। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये पूर्व का अंतिम छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, देमाबाद दक्षिण का अंतिम छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का और उत्तरी छोर है मांडा। इसी क्रम में अगर हम पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान में सोतुई सुकोंडे या सोतुई घई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। इस प्रकार से ये है जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की ये विकसित सभ्यता थी। तो हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 4500 साल पहले की और 4500 साल पहले यहाँ पर नगर व्यवस्था थी, सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। अब दूसरी विशेषता हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी पूरा सामग्रियां प्राप्त हुई है, जितनी भी पूरा वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन पूरा वस्तुओं पर कुछ न कुछ लेख लिखे हुए हैं, कुछ न कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं। किंतु एक विशेष बात है कि यहाँ की जो लिपि है वह रहस्यमय लिपि है। तो ध्यान रखिए आप दो विशेष बात बताई गई है, रहस्यमय लिपि का मतलब है कि आज तक इतिहासकारों को इस लिपि के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो रहस्यमय लिपि है यानी क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है ऐसी कोई भी जानकारी इनको नहीं मिली है। तो ध्यान रखे नोट करें सिंधु घाटी सभ्यता की दो महत्वपूर्ण विशेषता, एक तो नियोजित नगर व्यवस्था और दूसरी आती है यहाँ की रहस्यमय लिपि, यानी अब तक के इतिहास में सारी लिपियों को जाना जा चुका है लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पुराविद्यों ने अब तक पहचाना नहीं है, यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं जो ईंटे मनके और अस्थियां और इस सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया है। तो हड़प्पा क्यों कहा गया है, सबसे पहला पूरा स्थल हड़प्पा को ही पूजा गया था। बाद में आ करके कालीबंगा लोथल लोपर धूला विहार रंगपुर आदि आदि स्थानों को पूजा गया। इस प्रकार से संपूर्ण जो मैंने हैं इससे संबंधित प्रश्न 5 प्रश्न हल